let's see this question again. This question was a homework question. So when we complete this path, current ka path jo humne complete kiya idhar se, it will be like this. All right. So this adjacent nearby side mein current is in opposite direction. Repulsive force will be stronger, and this door wali side hai, in this current is in same direction as in the long wire. Attractive force will be there, but it will be weaker because distance is large here. Force inversely proportional to distance. So repulsive force is more between these two. So it will move rightward since more repulsive force, and ye symmetric hai to the long wire, and forces will be opposite. Either if this is upward, this will be downward. If this comes to be down, this will be upward, and they equal honge. So they will cancel effect of each other. So net force is down. Rightward. Loop is free to move. It move towards right. ठीक है? And ये question हम लोग ये देखो इसमें अभी values दे दे तुम्हें. Current दोनों में 1-1 है. ये वाली side loop की 1 meter है. ऊपर वाली साइड भी 1 meter होगी और वर्टिकल साइड इज 2 meter. दिस इज 2 meter. तो यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप. तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन द टू वायर्स यू कैन फाइंड आउट द नेट फोर्स. तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज बोर्ड्स क्वेश्चन ओनली एंड यू हैव टू डू इट केयरफुली टू गेट द राइट आंसर. होमवर्क प्रॉब्लम. Use the formula direct. Now suppose इस तरह की सिचुएशन है. 3 wires are there, है ना? इसका टॉप व्यू देख लेते हैं. Yes, let us see top view. Okay, this is the question. ऐसे सिचुएशन है कि these are the 3 wires. इसमें डॉट है, इसमें क्रॉस है. मतलब अगर हम इधर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा. साइड से कोई देख रहा तो उसको ऐसा दिखेगा. इसमें नीचे है ना, क्रॉस मीट डाउनवर्ड. ये क्रॉस है, ये डॉट्स है. इक्वल करंट, इक्वल डिस्टेंसेस. तो व्हाट इज आस्क्ड, रैंक द वायर्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच ड्यू टू द करंट्स इन द अदर 2 wires ग्रेटेस्ट. इसके ऊपर फोर्स कितना होगा इन दोनों का मिला के. ओके, पहले इसका, इसके ऊपर फोर्स कितना होगा इन दोनों का मिला के, कितना फोर्स लगा रहे. तो डिस्टेंसेज आर सेम एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अप सेम, करंट भी सेम है सभी में. तो यू कैन डू इट इजिली. कौन सा लॉ किससे निकालना पड़ेगा बोलो. विच लॉ विल हेल्प यू, वॉट विल हेल्प यू टू गेट द. एक तो फार्मूला पता होना चाहिए, वो तो पता लग ही गया. करंट्स भी सेम है तो ओनली डिस्टेंसेज विल बी नाउ मैटरिंग. और दूसरा क्या है, व्हाट एल्स यू हैव टू कीप इट इन माइंड टू गेट द डायरेक्शंस. डायरेक्शंस तो डायरेक्शंस है तो वेक्टर से ऐड होंगे. सेम डायरेक्शन में आ गया तो प्लस हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो माइनस हो जाएंगे. बट डिस्टेंसेस भी देखो, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कम है, डी है, और इसकी डिस्टेंस 2d है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा. पूरा अगर पूरा हो सकता कैंसिल ना हो, अगर अपोजिट आ रहा है तो That you have to see, ठीक है? तो प्रैक्टिस कर लो. इसकी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, केवल डायरेक्शन का ही प्रैक्टिस है. पहले वाले में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है. नोटेड. Now you all of you are to increase your study hours. इस बार तुम लोगों को कोई relaxation नहीं मिलेगा. सब things will be full course will be asked and papers and all will not be cancelled because these situations are going to remain. ठीक है? तो अभी पढ़ाई के hours बढ़ाओ. कम से कम 10 hours daily study होनी चाहिए. Easy going चल रहा है तुम लोगों का. I am not happy with that. Homework वगैरह नहीं होते तो what I can get? पढ़ाई नहीं हो रही घर में,
टाइम पास ही हो रहा है, तो अभी बिल्कुल इट इज हाई टाइम, काफी कम टाइम बचा है अभी तुम लोगों के लिए, पोस्टपोन वगैरह कुछ नहीं होने वाला इस बार, नवंबर में भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी होंगे, फिर उसके बाद मार्च मार्च अप्रैल, ठीक है, और पूरे सभी सब्जेक्ट के फुल कोर्स की तैयारी, पहले हाफ कोर्स नवंबर दिसंबर में, 50% में भी आस वन ऑफ द बुक्स, ओके, तो इंक्रीज, और आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसमें भी कोई देयर इज नो लेट अप इन द व्हाट इज कॉल्ड हार्ड दैट कोर्स में, कोर्स में तो पहले से ही नहीं, इस बार भी नहीं है, ओनली थिंग ऑप्शन दे विल गिव यू, सिलेबस जो कट किया था इट विल बी आस्क फ्रॉम दैट दैट आल्सो, बट यू आर नॉट सिटिंग इन दिस टाइम एंड लेवल दे विल नॉट डाइल्यूट, ये नहीं कि भाई कोविड हो गया तो इजी पेपर पूछेंगे, नो दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ, अभी बाकी कोई एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए अभी, दिस इज द टाइम यू हैव टू बी, क्योंकि काफी कोर्स पीछे का पूरा रिवाइज करना है, आगे के नया न्यू टॉपिक्स होने वाले हैं, सब फ्रेश रहने वाले, उसमें ज्यादा तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ती, पूरा रिटेन करके रखो पीछे का, चलो नेक्स्ट वन इज, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट वी नीड इज द टू करंट्स एंड डिस्टेंसेस, डिस्टेंस दोनों करंट दिए, यस, ठीक है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, वो द करंट सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस एंड ये एल दिया है, ऐसे लिखेंगे, क्या फार्मूला बोलो, चलो फार्मूला बता दो जल्दी से, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अरे देर बोलो यस सर, फार्मूला जल्दी से, आगे क्या लिखे, टू टू आई ए आई बी आई वन आई टू अपॉन डी, और कुछ छूटा है इसमें, इनटू एल ये लेंगे, एल इसमें इनटू एल, एल इधर आ जाएगा, अभी एल विल बी 0.1 मीटर, चलिए वैल्यू पुट कर दो, इट इज इजी क्वेश्चन में, नो मच प्रॉब्लम हियर, 2 × 10⁻⁵ आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो ये 7th क्वेश्चन अपने आप कर लो कैलकुलेशन, देखते ये वाला क्या है, इसमें बताओ, ये थोड़ा कॉमन सेंस भी लगेगा इसमें, सेम क्वेश्चन है फिर से, देखो वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ द ऑटोमोबाइल टू द स्टार्टिंग मोटर कैरी करंट ऑफ 3 एम्पियर 300 एम्पियर फॉर शॉर्ट टाइम, क्वाइट ए हाई करंट, इसलिए उसकी जो वायर्स होती बहुत थिक होती, केबल होता वो पूरा, नॉट लाइक डोमेस्टिक वायरिंग, वॉट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसमें पर यूनिट लेंथ निकल रहे, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 70 सेंटीमीटर इज दे विल बी टेकन एज ए लॉन्ग वायर्स, लॉन्ग वायर्स लेंगे, गैप काफी कम है ऐसा, तो वी कैन यूज द फार्मूला, वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ लॉन्ग वायर्स, इसलिए ये दिया है, पर सेंटीमीटर पूछा है, पर यूनिट लेंथ पूछा है, ये वैल्यू इसलिए दिए कि यू कैन जस्टिफाई योर फार्मूला, तो बोलिए एफ इज इक्वल टू एफ बाई एल एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई वन, आई टू क्या रहेगा, एक ही करंट दिया है, बोलो एक ही करंट दिया हुआ है, ये ऐसे जाएगा, सपोज यहाँ पे मोटर है, मोटर को मैं रेजिस्टेंस से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये यहाँ है, करंट ऐसे गया और ऐसे वापस आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक, सेम करंट इज कमिंग बैक आई टू बाई डी 10⁻⁴ × 2 इंटू 300, तो 9 × 10⁴ हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? और नीचे क्या आएगा आपका? डिस्टेंस 1.5, नीचे डी स्क्वायर है कि डी है? नीचे डी स्क्वायर है, फार्मूले में बताओ, फार्मूले में बताओ डी स्क्वायर है डी? ठीक है, न्यूटन आएगा फोर्स पर मीटर। बोलो ऐसा ही है। और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? रिपल्सिव। वाई रिपल्सिव? चार्ज वाई करंट अपोजिट डायरेक्शन, करंट वापस आ रहा है, एक वायर से जा रहा है आगे, दूसरे वायर से वापस आ रहा है। ठीक है, रिपल्सिव, गॉट इट? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता ऑटोमोबाइल में, यू नो ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ये इन्होंने बहुत, मे बी वेरी ओल्ड व्हीकल्स, आई डोंट नो, बट नाउडेज इट इज हैपनिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं होता, ये वायर होता ही नहीं, ये वायर नहीं होता। फिर तुम बोलोगे सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, हाउ द करंट फ्लोस, क्लोज सर्किट, क्लोज लूप होना चाहिए। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पर अर्थिंग कर देते और इसकी अर्थिंग कर देते, सिंगल वायर से काम चल जाता है पूरे पूरे सिस्टम में, जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वन वायर इज इनफ। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? उसकी जो बॉडी होती है, चेसिस बोलते हैं उसको, दैट इज मेटेलिक, आयरन है पूरी, तो वहां से कंप्लीट हो जाता है ये अर्थिंग, और ये अर्थिंग पूरा सर्किट कंप्लीट कर देती। करंट कैन फ्लो थ्रू दैट बॉडी ऑफ द चेसिस ऑफ द कार, ऑटोमोबाइल, वेदर इट इज टू व्हीलर, ऑल आर मेटालिक, है ना? तो सिंगल वायरिंग से काम चल जाता है। इतनी मोटी, बहुत थिक वायर होती है, यू नो, हैव यू सीन दिस वायर? कभी तुम देखोगे, व्हेन यू ओपन द बोनेट ऑफ द बैटरी दैट यू हैव कार, तो उसमें देखो ये बैटरी साइड में रहेगी, राइट हैंड साइड में मोस्टली, तो वन वायर इज कनेक्टेड देयर, अर्थिंग, यहाँ पे नेटवर्क लगा देते हैं, दिस वायर गोज टू द स्टार्टर मोटर, और आगे इसी में से और वायर भी डाइवर्ट हो जाती है हॉर्न के लिए और वाइपर्स के लिए और हेडलाइट्स, टेल लाइट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो बट फॉर दिस न्यूमेरिकल वील मेक इट प्रीवियस डायग्राम। ऑलराइट, डन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, एक लॉन्ग वायर है, इसमें वैल्यू मैं बहुत सिंपल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, 1 एम्पियर, यहाँ पे प्रोटॉन है, उसको इसके पैरेलल प्रोजेक्ट कर दिया, कितनी स्पीड, वो भी 1 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना, वो भी 1 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, मतलब लेफ्ट लगेगा तो इधर टर्न हो जाएगा वो, राइट लगेगा तो फोर्स, मतलब पहले तो फोर्स निकालो फिर डायरेक्शन बताओ, या फिर मैं पूछूंगा इन विच डायरेक्शन इट विल टर्न, आर विल इट, इट विल नॉट टर्न, है ना? फोर्स है तो टर्न होना ही पड़ेगा उसको, है ना? अगर लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो ऐसे टर्न हो जाएगा, राइट में लग रहा है तो ऐसे टर्न हो जाएगा, दैट इज सेकेंड पार्ट। बट पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इम्पॉर्टेंट, तो कैन यू कम्प्लीट दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? नोट डाउन ऑल द वैल्यूज आर गिवन 1, एक्सेप्ट प्रोटॉन का चार्ज यू शुड नो, it may be given or may not be given to you, that must you must know. proton ka charge kitna hota, by the way kitna hota proton ka charge ki zarurat hai ki nahi force mein, force on the moving charge in the magnetic field? Yes, 1.6 into 10 to the power minus how much, 19. This you should remember sometimes, given or not, that's all, other things are one, hai na? To calculation should be done fast, very important question. Theek hai, magnitude and its direction, and noted,
यस सर। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। कोई भी करंट लूप है, इफ इट इज क्लोज लूप और क्लोज टू क्लोज लूप, तो देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। वन साइड फील्ड लाइंस विल एंटर, अदर साइड दे विल कम आउट। तो वन साइड विल बी साउथ पोल एंड अदर साइड फ्रॉम विच दे आर कमिंग आउट विल बी नॉर्थ पोल। सपोज ये एक लूप है, इसमें एंटी क्लॉक वाइज करंट फ्लो हो रहा है, फील्ड लाइंस कैसे होंगी बोलो? एंटी क्लॉक वाइज में जो फील्ड लाइंस है बाहर निकलेंगी कि अंदर जाएंगी? बाहर निकलेगी, आउटवर्ड होगा ना, डॉट होगा ना। डॉट मीन्स नॉर्थ पोल, बाहर निकल रही ना, इट विल बी एक्टिंग एज ए नॉर्थ पोल। ऐसा ऐसा बना लो नॉर्थ, एक मिनट एन बना लेते हैं, एन एन जैसा बना लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में एन आ रहा था, इजी टू रिमेम्बर। एंटी क्लॉकवाइज में एंटी, एंटी में एन आ रहा है और नॉर्थ पोल भी आ रहा है इसमें ना। एंटी क्लॉकवाइज करंट विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल बिकॉज फील्ड लाइंस विल कम आउट। यहाँ पे मैं डॉट दिखा सकता हूँ, यहाँ पे डॉट तो सीखा है ना मैं। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, इफ यू नो द मैग्नेट, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट का एक पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, दूसरे पोल से अंदर जाती। तो बैक साइड ऑफ द लूप, बैक साइड ऑफ द लूप से फील्ड लाइंस एंटर होंगी, तो दैट विल एक्ट एज ए साउथ पोल। बैक साइड अपोजिट साइड से अगर तुम देखोगे है ना, उसके बैक साइड से करंट तुम्हें कैसा दिखेगा? इफ यू गो बिहाइंड द लूप एंड सी इट, करंट विल बी सीन एज ए क्लॉकवाइज। अपोजिट दिखेगा कि नहीं? कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ना। तो क्लॉकवाइज इज साउथ पोल, फील्ड लाइंस गोज इनसाइड, क्रॉस आता है यहाँ पे, क्रॉस मींस साउथ पोल है ना, मतलब फील्ड लाइंस गोइंग इनटू, गोइंग इनटू मींस साउथ पोल, साउथ पोल मैग्नेट के साउथ पोल से फील्ड लाइंस अंदर जाती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, क्लोज लूप बनाती है, यू नो दैट दे मेक द क्लोज लूप, अनलाइक द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो वन पोल इज साउथ पोल, वन साइड इज साउथ पोल, अदर साइड इज नॉर्थ पोल, देयरफॉर इट इज डायपोल, देयरफॉर डायपोल। तो हाउ मच विल बी द डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट निकाल सकते इसको, इफ एन आर द एन नंबर ऑफ द टोटल टर्न्स आर देयर, यहाँ पे इसमें एक में टोटल टर्न्स एन है सेम रेडियस पर, I being the current, A being the area of the loop, in case of circle loop it will be pi r square, rectangular है तो l into b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने circular दिखाया इसलिए pi r square लिखा है यहाँ पर। तो dipole moment will be m will be equal to I n a, easy to remember, easy to remember, I n a। यहां से अगर स्टार्ट करो तो ये मीना हो जाएगा, एम आई एन ए है ना। आजकल ऐसे नाम नहीं चलते बट पुराना ओल्ड नेम है ये मीना, देयर वाज देयर यूज्ड टू बी हीरोइन विद दिस नेम है ना, मीना कुमारी। ठीक है, तो तीन टर्म्स है इसमें, तीन तीन थ्री क्वांटिटीज आ जाए, करंट मोर डायपोल मोमेंट, मोर नंबर ऑफ टर्म्स, डबल कर दो तो डायपोल मोमेंट डबल हो जाएगा। एरिया आल्सो मैटर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो ये वन हो जाएगा, एम इज इक्वल आई ए लिखेंगे, एम आई ए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे तो इनटू कर देंगे, ये एन जो है नॉर्थ पोल का है, ये नंबर ऑफ टर्न्स का। ठीक है, बहुत आर डिफरेंट। ऑलराइट, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। सिंस डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, it has to have the direction, so it is vector, and it is vector, unit kya hogi pehle to unit bata do, chalo
यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट विल बी क्विकली एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बिकॉज एम्पियर और ये एरिया इज मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज यूजफुल, वेरी यूजफुल, बिकॉज वेन वी सी द बार मैग्नेट, जब बार मैग्नेट पढ़ेंगे ना तो वहां पर डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड विद द वे वी हैव डन इट इन द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स. परमानेंट मैग्नेट में ये फार्मूला नहीं होता, वहां पर करंट तो होता नहीं है. फिर मैग्नेटिक चार्ज इंटू लेंथ, तो मैग्नेटिक चार्ज का तो कोई होता ही नहीं मोमेंट यूनिट, तो यहाँ से यूनिट मिलती है उसको भी, मैग्नेटिक चार्ज को भी उसको यहीं से यूनिट मिलेगी, अनलाइक योर इलेक्ट्रिकल चार्ज विच इज कूलम. तो दिस इज यूजफुल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर यूनिट यू आर टू रिमेम्बर, बिकॉज अगेन वी आर गोइंग टू सी द डायपोल मोमेंट फॉर द परमानेंट मैग्नेट्स. आयरन मैग्नेट जो होते हैं उसमें करंट नहीं होता है. क्लियर? और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. जैसे डायपोल मोमेंट, अच्छा इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, डू यू रिमेम्बर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट किधर था? माइनस चार्ज टू माइनस क्यू टू प्लस क्यू था. तो यहाँ पर माइनस क्यू किसके इक्विवेलेंट होता है? साउथ पोल के इक्विवेलेंट होता है. यू नो दैट माइनस चार्ज इज इक्विवेलेंट टू साउथ पोल, और साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू माइनस चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स. तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, अगेन सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही, कैन यू सी, और फील्ड लाइंस भी ऊपर की तरफ आ रही, नीचे से ऊपर की तरफ. नीचे वाला अपोजिट साइड इज साउथ पोल और फ्रंट साइड इज नॉर्थ पोल. फील्ड लाइंस आर कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द फ्रंट साइड, बैक साइड से फ्रंट साइड में आ रही है यहाँ पे फॉर दिस, है ना, फॉर दिस इज द एक्चुअल लूप. इसकी बैक साइड हमने ये दिखाई, अदर साइड यहाँ पे लिख दू मैं, अदर साइड ऑफ द लूप. तो ये है, यहाँ से दिख रहा है हमें. तो अगर हम फिंगर्स ऐसे रखेंगे, फील्ड लाइन्स ऊपर की तरफ आ रही, जिधर फील्ड लाइन्स आ रही है साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो डायपोल मोमेंट भी वही होगा. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या लिखी है? राइट हैंड रूल, सेम एज दैट ऑफ द करंट, दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्ट इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, गिवन बाय राइट हैंड रूल, सेम एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेम एज that of direction of magnetic field. Are you getting this point? तो इसके लिए कुछ नया नहीं सीखना है. जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है लूप की, उसी डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है. सिंपल, नथिंग न्यू यू हैव टू लर्न. Are you getting this point? So many directions you have to remember. But you can make it simple. जो direction of field है वो direction से काम चल जाएगा हमारा, dipole moment का निकालना है तो. Fingers के रख दिया circumference पे, thumb जो दिखा रहा direction वो magnetic field की भी होगी center में, और वही direction आपकी dipole moment की भी होगी. So all the points are very clear. Formula is mean m is equal to I n a, and m is small. Le rahe hain NCERT book ka symbol le rahe hain hum log. Otherwise most of the books they are giving capital M. Capital M nahi lenge, hum iska small m lenge. Dipole moment ka symbol. Capital M lena hai to le sakte, likhna padega. Dipole moment capital, magnetic dipole moment capital M is given by I n a. But we are following the NCERT book symbols. Clear? No doubt here? So, ये formula आगे काम आने वाला है हमें.
नाउ इसका क्या आंसर होगा बोलो, चलो देखते कितना सीख लिया। वेक्टर फॉर्म में लिखना, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में बताना है, जल्दी से बताना है। फाइंड एम इन द वेक्टर फॉर्म, एम मीन्स नॉट द मास, मास नहीं है यहाँ पर, क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो एन आई ए या आई एन ए, आई कितना दिखा रहा है, 1 एम्पियर, एन ए की टर्न्स, टर्न्स आर नॉट शोन, नॉट मेंशन, विल टेक 1, ए एरिया 0.1 × 0.1, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन में क्या लिखें, आई कैप लिखें, जे कैप लिखें, के कैप लिखें, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री लिखें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बोलो डायरेक्शन किधर जा रही डायपोल मोमेंट के। I told you, जो सर्कुलर लूप का, जो सर्कुलर लूप के लिए जो फिंगर्स का रूल यूज करे राइट हैंड, यू कैन यूज इट फॉर द एनी क्लोज लूप अलोंग। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में देना है तो आई कैप आएगा जे कैप के कैप के कैप, है ना, तो प्लस की माइनस, प्लस ऊपर जाएगा ना। देखो अभी देखो, एज आई टोल्ड यू, क्लोज लूप में भी तुम सर्कल लूप का फॉलो कर सकते हो, फिंगर्स को ऐसे रखो थोड़ी देर के लिए, समझ लो ये ऐसा ऐसा है, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को ऐसे रखो इस तरफ, थंब विल कम अप, कीप योर फिंगर्स अलोंग द क्लोज लूप इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इज इट सर्कुलर और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और इरेगुलर शेप, तो डायरेक्शन विल बी कमिंग बाय द थंब, थंब इज गोइंग अप, है ना, तो अप मीन्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, अप मीन्स पैरेलल टू डायपोल मोमेंट इधर है, तो इसका क्या होगा, के कैप, है के कैप की डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया एम इज इक्वल टू आई एन ए वाले फार्मूले से, और एन कुछ भी मेंशन नहीं है तो एन वन लेंगे फिर, कैन यू सी इट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर लूप है 0.1 × 0.1, तो ये आ गया डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के कैप, डन सिंपल। यस सर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसमें तुम्हारा कॉमन सेंस भी लगने वाला है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये देखो, फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द लूप, एक लूप ऐसे बेंड फॉर्म में है, आधा प्लेन तो उसका इस एक्सिस में, एक्स ए प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, रिमेनिंग हाफ 90 डिग्री पे टर्न हो गया, वो कौन से वाई जेड प्लेन में है, तो डायपोल मोमेंट निकालना है, इन वेक्टर फॉर्म निकालनी है, एंड मैग्नीट्यूड भी चाहिए, दोनों निकालने, वेक्टर फॉर्म में भी उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो लेट्स सी। और क्या दिया, लेंथ दी है, यस, यहाँ देखो ये एल है और ये भी एल दिया हुआ है, तो 1 है, तो ये इतना हो गया, ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, उसका टर्न हो गई वायर ये से, तो सभी साइड्स 1 हो गई है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स 1 हो गई, करंट भी 1 है, सिंपल वैल्यूज अगेन, करंट जो है 1 एम्पियर, ये आई कैप नहीं है, आई कैप क्या होता, तो क्या डिफरेंस है, आई इज द करंट 1 एम्पियर, और आई कैप क्या होता, फिर आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला आई कैप होता है, तो आई कैप इज डिफरेंट, आई इज डिफरेंट, हियर आई इज द करंट, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज आई विद द आई कैप। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, टेल मी आंसर टुमारो, और ओके इसको सॉल्व करके भेजना है। थिंग्स आर क्लियर हियर नॉट,
क्योंकि ये वर्डिंग जस्ट थोड़ा मैंने अपनी तरफ से फ्रेम की है. ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू हियर. Done. Are you there? Okay. ऐसे क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछ सकते थे. इफ आई मेक इट लाइक दिस सेमी सर्कुलर लूप ये बना दिया. अच्छा सर्कुलर लूप भी बना सकते हैं. लुक लाइक हार्ट बट इट इज सेमी सर्कुलर. यहाँ पे अगर मैं सेम क्वेश्चन को चेंज कर दूँ या इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पूछ लूँ, बट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द सिंगल लूप. तो सेम मेथड मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं. इफ यू कैन डू इट वन यू कैन डू अदर. इसको सेमी सर्कुलर बना सकते हैं ऐसे. एक सेमी सर्कुलर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 90 डिग्री पे है दोनों. तो वी कैन शेप चेंज द शेप. बट इफ यू डू इफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन यू कैन डू इट एनी अदर सिमिलर क्वेश्चन. तो जस्ट यूज योर स्लाइट कॉमन सेंस यू विल गेट द आंसर. ओके सर्कुलर लूप एज मैग्नेटिक डायपोल. तो सर्कल लूप अगर ऐसे क्वेश्चन आता है सर्कल लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड फाइंड डायपोल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट. तो लेट्स सी एक मिनट, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप. ठीक है. नाउ इफ यू आर आस्क टू आस्क दिस क्वेश्चन सर्कल लूप प्रूव द सर्कल लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो अंडर दिस हेडिंग व्हाट दे हैव डन इन एनसीईआरटी बुक उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया मैग्नेटिक डायपोल है और डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट निकालिए. यू नॉट अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एक्सेल पॉइंट पे बोलो जल्दी से. 1/4 epsilon naught क्विकली बताओ. 2P/r³ था. यू रिमेम्बर आर यू देयर. यस सर. ओके तो यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट तो रहेंगे 2m/r³. तो ये प्रूव करके दिखाया एज ए डायपोल उसकी फील्ड ही निकाल के दिखाई. कहाँ से आएगी जी फील्ड ये वाले फार्मूले से. हमने सिंगल लूप की जो फील्ड निकाली थी याद है ऑन एक्सियल पॉइंट उसी को उन्होंने शार्ट डायपोल समझ के पॉइंट को दूर लेके उसमें कन्वर्ट किया हुआ है. तो यू हैव टू डू इट लाइक दिस. पहले तो ये लिखना पड़ेगा ओके सर्कुलर लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल seen from one side it will act as a north pole, seen from other side it will act as a south pole. Its dipole moment is given by dipole moment kitna hoga bolo ek minute yahan pe main dipole moment rakhu. Iska dipole moment is given by INA. theek hai ye ho gaya aur let x be the distance from point P. wahan pe magnetic field likhi humne मैग्नेटिक फील्ड एट पी. ठीक है ये लिख दी. अभी हम उसको कन्वर्ट करना है सिमिलर टू द फार्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो एक्स इज वेरी लार्ज शॉर्ट डायपोल हो गया जी. ऐसे भी मतलब एक्स को बहुत दूर कर दो तो इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट डायपोल. व्हेन डिस्टेंस बिकम्स लार्ज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द डायपोल. साइज ऑफ द डायपोल वैसे भी छोटा ही है मतलब लूप ओनली डिस्टेंस तो थोड़ा लार्ज करना पड़ेगा. तो इसको देन दिस कन्वर्ट्स इनटू द सिमिलर फार्मूला एज
दैट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑन द एक्सेल पैड, एक्स को बहुत लार्ज ले लिया तो क्या होगा, बी एक्सेल विल बी म्यू नॉट। ओके इसको हम 4 पाई वाले टर्म में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वैसा लाना है ना हमें, तो यहाँ पे 4 पाई ऊपर 2 पाई आ जाएगा, यस सर नो, तभी तो कैंसिल होकर 2 बचता है। उस फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ मैं 4 पाई, क्योंकि एरिया देखो यहाँ पर, देखो ऊपर जो है आई एन ए जो लिखा मैंने, एन कैपिटल करना पड़ेगा, स्मॉल नहीं है, आई इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर पाई चाहिए हमें, आर क्या है, अच्छा कैपिटल आर लेना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज हमने डेरिवेशन में कैपिटल आर लिया रेडियस उसकी यहाँ पर, ये यह वाला, तो 2 पाई आई एन, अच्छा यहाँ से एम तो बनी गया, देखो ये क्या है 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर है, यस आई है एन है, तो ये सब मिला के टर्म कितना हो गया 2m बन गया ऊपर, और नीचे x अगर बहुत छोटा है तो नीचे क्या बचेगा, r r क्यूब बचेगा, बस तो हो गया ये डेरिवेशन खत्म यहीं पर। थोड़ा इसको इलेबोरेट करना सब टर्म्स, सपोज दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू डोंट बी सो शॉर्ट, सब पॉइंट लिखने पड़ेंगे, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड नहीं something has gone wrong, ruk jao ruk jao ruk jao ruk jao, this is not the right answer, r chota hai na, to x bachega, x cube bachega, r will go, it is similar to the exl which is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p by r cube, वैसा ही है, वहां पे r डिस्टेंस था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, बट यहाँ पे हमने r स्मॉल r ये लिया था ये वाला, तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से x गया था, इसलिए x के टर्म में, अगर हम उसको चेंज कर दें, अगर बोला जाए स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, इसको r ले लिया तो यहाँ भी r कर सकते, फिर इसको r डैश ले लेना, इसको r डैश कर देंगे, ठीक है, बट जो हमने पीछे डेरिवेशन किया उसमें x लिया था, वी आर नॉट चेंजिंग दैट r सिंबल्स, नहीं तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएंगे। सो दिस यू एलेबरेट एंड डू इट, अगर तुमने बिल्कुल ऐसा लिख दिया तो योर मार्क्स विल बी कट, आई हैव डन इट ब्रीफली, यू हैव टू एलेबरेट एवरी टाइम, आई टोल्ड यू इंट्रोड्यूस द टर्म्स एंड ऑल व्हिच यू आर यूजिंग इन दिस, ठीक है। क्लियर दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, प्रीवियस पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उससे रिलेट करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टॉर्क के क्वेश्चन करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, थोड़ा रिवाइज करके आना, टॉर्क क्या था, अच्छा टॉर्क इज वॉट, ओके लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन, टॉर्क का थोड़ा बता दूँ, फिर टुमारो वी विल डू द टॉर्क ऑन द डायपोल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डे टू डे लाइफ में टॉर्क ऑन द डायपोल जो है ना, दैट थिंग्स आर वर्किंग विद दैट, जो मैंने बोला था ना, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो करंट भेजते हैं तो टॉर्क लगता है उसमें मोटर के अंदर, कॉइल होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट टर्निंग, दैट इज द वेरी एक्सटेंसिव यूज ऑफ टॉर्क इन डे टू डे लाइफ, टॉर्क ऑन द डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, टॉर्क का टॉर्क क्या था डायपोल का, याद है, टेल मी द फार्मूला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉर्क वाज कितनी भी टॉर्क की डेरिवेशन है इलेक्ट्रिसिटी में एंड मैग्नेटिज्म में साइन थीटा आता है, साइन थीटा टॉर्क के बेसिक फॉर्मूले में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता ही है ना,
क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा था, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, और दूसरा पॉइंट क्या था, टॉर्क डेरिवेशन कैसे किया था, डू यू रिमेंबर, सेम वी आर गोइंग टू डू हियर। टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, दो फोर्सेस होंगे तभी टॉर्क बनेगा, तो मिड पॉइंट से हाफ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आएगा वो फोर्स एक डायरेक्शन में, दूसरा भी फिर हमने किया था एफ टू लिया था। सेम मेथड हियर आल्सो टू डिवाइड दैट टॉपिक ऑफ टॉर्क ऑन द डायपोल, फोर्स ऑन द डायपोल, टॉर्क इन द डायपोल इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वो डिराइव, वो डिवाइस करके आओ, टॉर्क का फार्मूला भी डिवाइस करके, टुमारो, टुमारो मीन्स अभी, टुमारो सैटरडे है और फ्राइडे, सैटरडे है ना, तो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द जेई क्लास इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मंडे विल कंप्लीट। ठीक है, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, बोलिए।